देखो आप लोगों को चेंसो मैन के बारे में तो पता ही होगा, अभी लिटरली वो सीरीज पीक पे चल रही है, उसका एक एनिमे एडेप्टेशन आने वाला है इस साल, मांगा का पार्ट टू आने वाला है, वो भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसी साल में। मतलब लाइक ओवरऑल बहुत ज़्यादा फेमस है। उसकी जो ऑथर है तात्सुकी फुजीमोटो, उनके बारे में भी आपने सुना होगा, ये नाम जरूर सुना होगा। तो देखो उन्होंने एक वन शॉट मांगा रिलीज़ की है जो कि आजकल वो कर रहे हैं, इससे पहले भी एक और मांगा की थी जिसका नाम है लुक बैक, और अब एक और सीरीज अप्रैल में की है 2020 में, वो है गुड बाय एरिक। और भाई मुझे लिटरली पता नहीं कि इस मांगा के बारे में मुझे कहाँ से बात करना चाहिए। वो ये वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल मांगा सीरीज है जो कि सिर्फ 200 पेजेस की है, जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में रीड की होगी। लाइक 1500 वॉल्यूम्स, 13,000 से ज़्यादा चैप्टर्स और 150 से ज़्यादा, इन सब को रीड करने के बावजूद मुझे ये लगता है वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है जो कि 200 पेजेस में एक ड्रामा सीरीज देती है। और इनफैक्ट ये 200 पेजेस की है और उसमें से मुझे लगता है 10 से 20 पेजेस तक ब्लैक या स्टार्टिंग या एंडिंग में बिता दिए गए हैं सिर्फ मोमेंटम बनाने के लिए। अब देखो ये सब इतनी शॉर्ट होने के बावजूद, 10-20 पेजेस माइनस करने के बावजूद, एक और चीज़ है जो मुझे और भी ज़्यादा शॉक कर देती है, वो है इसके डायलॉग्स। इसके डायलॉग्स बिल्कुल नहीं है इसके वन शॉट के अंदर, मतलब लाइक मुझे लगता है आधे से ज़्यादा पेजेस में इसके डायलॉग है ही नहीं, ना के बराबर है, बिल्कुल कुछ कुछ वर्ड्स हैं। अभी तक जो मैंने बताया ना, ये जो मैं भी सोचता हूँ उसका सिर्फ 10% है मेरे ख्याल से, 10-20%। सो रियल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब, मेरा नाम है राइडर और एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायोनारा एरी, स्टार्टिंग विथ द मोस्ट अमेजिंग थिंग। मतलब लाइक लिटरली इस मांगा ने उस चीज़ में मास्टरपीस है, वो है स्टोरी टेलिंग। आप जब इस मांगा को रीड करोगे मुझे नहीं लगता कि आपको ये महसूस होगी कि ये एक मांगा है, ये आपको लिटरली एक मूवी महसूस होने वाली है। बिकॉज इसके जो पैनल्स है वो एक मूवी के फ्रेम की तरह लगते हैं, मतलब लाइक एक फ्रेम और एक फ्रेम। आप इसके पैनल्स को बस देखो, खुद आपको आइडिया मिल जाएगा। इसमें आर्ट का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छे तरीके से उसको एक मूवी तरीके से दिखाया गया इस मांगा को, लाइक लिटरली मैं बहुत ज़्यादा अमेज्ड फील कर रहा हूँ उसको देखने। जैसे कि वो ब्लर सीन दिखाए गए हैं, जैसे बहुत सारे पैनल्स हैं जिसमें कैमरा एंगल या फिर जो आर्ट वर्क है वो ओवरऑल ब्लर है, जो कि कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग के वक्त होता है, और वही वो मांगा दिखाना चाहती है। अगर मुझे कोई कहेगा ना कि मांगा जो है मूवीज़ को टक्कर नहीं दे पाती है, या फिर मांगा का कोई मूवी वर्जन बताओ, या फिर ऐसा कुछ भी जो कि एक मांगा को मूवी के रूप में देखना चाहता, तो मैं उसे बिना किसी डाउट के गुड बाय एरी रिकमेंड करूँगा। तात्सुकी सेंसेई को लिटरली पसंद है अपनी जितनी भी मांगाज होती है उसमें एक मैडनेस, एक क्रेजीनेस, एक फैंटेसी का टचअप देना, स्पार्क देना। इस मांगा को अगर मैं चेंसो मैन से कंपेयर करूं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं कर सकता बिकॉज दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं, बट अगर आप उनके फ़ैन हो जो मतलब चेंसो मैन के फ़ैन हो, तो फिर इस मांगा को आपको रीड करना चाहिए कि नहीं, तो मैं कहूँगा नहीं। बिकॉज इसमें वो सर्टन टच है बट इट इज़ नॉट अ एक्शन सीरीज, इसमें खून खराबा नहीं है, बेसिकली ये डार्क और ट्विस्टेड है बट इन ओवरऑल डार्क साइकोलॉजिकल मांगा के रूप में, ना कि हम कह सकते हैं शोनिन सीरीज या फिर एक्शन सीरीज के रूप में नहीं। इस मांगा के अंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ लगी ना, जिसने मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा खींचा, वो था जो इसका कंसेप्ट था, वो था लॉस के बारे में। बिकॉज इस दुनिया में कोई भी इंसान हो भाई, वो चाहे कितना भी अमीर हो जाए, चाहे वो कितना भी गरीब हो, उसने अपनी लाइफ में लॉस, जो जो खोने का एहसास है, उसे उसकी लाइफ में आता ही है। चाहे वो इंसान कितना भी अमीर हो, उसे उसके जो आसपास के लोग होते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे खोना ही पड़ता है, और यही बात इस मांगा में दिखाई गई है। चलो सबसे पहले मैं इसके जो बेसिक सिनॉप्सिस है वो बताता हूँ, जिसमें आपको मतलब लाइक एक दो पेजेस का स्पॉइलर मिलने वाला है। इसकी मांगा के स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि एक बर्थडे बना रही है, एक बहुत ही स्वीट फैमिली है, और उसने अपने बेटे को एक फ़ोन मिला है जिससे कि वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, और ये पूरी मांगा उस रिकॉर्डिंग में ही बेस है। इसमें हमें जो इसका मेन प्रोटैगनिस्ट है यूटा, जो बेटा है अपनी माँ का, उसके बारे में ही दिखाया गया है कि किस तरीके से वो रिकॉर्डिंग करता है, वो क्या मिस्टेक्स करता है, और किस तरीके से वो मतलब रिकॉर्डिंग को मूवी के रूप में दिखाता है अपनी सेरेमनी में, और उसके बाद वो सुसाइड करने का सोचता है। अब ये सब मैं बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपको स्पॉयलर्स ना मिले। और सुसाइड करते वक्त उसे एक लड़की मिलती है जो कि होती है एरी, जो कि उसे फिर से फिल्म बनाने पर मजबूर करती है। तो ये इसका बेसिक प्लॉट है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो क्या आप रिकॉर्डिंग करना चाहोगे अपने किसी प्यार, जो आपके आसपास के जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हो, और आपको पता है उसकी डेथ होने वाली है, उसको भी पता है, और आप उसको रिकॉर्ड करोगे क्या आखिरी दम तक, आई मीन
जो कि बहुत ही ज़्यादा रफ और क्रूल टाइप है, जो कि ऐसी फैंटेसीज में नहीं होता, वो रियलिटी में इस मांगा में दिखाया गया कि रियलिटी में कितना ज़्यादा क्रूल हो सकता है। बट एट द सेम टाइम वो बहुत ही ज़्यादा मस्त बात है, बिकॉज आप उसको हमेशा एक लाइफ टाइम मेमोरी के रूप में रख सकते हो, हमेशा आपके पास उसकी यादें रहेंगी एक मूवी के रूप में, एक वीडियो के रूप में। बिकॉज ह्यूमंस आते हैं जाते हैं, और ये हमारा काम होता है कि हम उनको भूलें ना, जो हमारे आसपास के लोग हैं हमें हम उन्हें हमेशा याद रखें, वो भी एक अच्छे इमेज में। और जो आप वीडियो बनाओगे, जो मेमोरी आप रिकॉर्ड करोगे अपने फ़ोन में उस पर्सन की, उसको आप अपने हिसाब से एडिट भी कर पाओगे और एक मूवी के रूप में रख पाओगे। तो मतलब जो यादें होंगी ना, वो बेसिकली आपके हिसाब की होगी कि आप उस इंसान को किस तरीके से याद रखना चाहते हो। मतलब आप डेफिनेटली उस ह्यूमन की बहुत ही अच्छी यादों को रखोगे, जिसमें वो खुश है, हंस रहा है और मतलब लाइक अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, और वही उसी तरीके से आप उसको अपनी लाइफ टाइम में याद रखोगे। तो इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल। एक और बात, ये मांगा आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल नहीं लगने वाली। अगर आपने ज़्यादा मांगा रीड नहीं किए तो मैं आपको ये मांगा बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज इट्स डैम कन्फ्यूजिंग, एट सेम टाइम इट्स इन्जॉय। मतलब मुझे कन्फ्यूजिंग मांगाज पसंद, मतलब मुझे ऐसे चीज़ें जिसमें आपको जवाब नहीं देता है और ऑथर खुद छोड़ देता है कि आप अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करो, आई लव दैट वाइब। बिकॉज उसके लिए मैं कुछ दिनों तक अपने माइंड में यही सोचते रहता हूँ कि क्या सही था और क्या गलत था, ये मांगा वही करती है। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें पसंद है तो ज़रूर आप इस मांगा को रीड करो, बट मेक श्योर कि आपकी एज जो है 18 प्लस हो। ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, बट वेल ये मेरे ओपिनियंस है कि 18 प्लस होनी चाहिए उम्र अगर आप इस मांगा को रीड करना चाहते हो। सबसे औसम बात यह है कि आप इसको शोनेन जंप ऐप पे फ्री में रीड कर सकते हो लीगली। आई एम ग्रेटफुल। मतलब लाइक मैं तो इसकी जो फिजिकल कॉपी है उसको बाय करना चाहूँगा अगर ये अवेलेबल होती है इंडिया में अच्छे प्राइजेस पे, बट अभी के हिसाब से लीगली भी रीड करना कोई बुरा ऑफर नहीं, बिकॉज आपको एक अच्छी मांगा लीगली रीड करने को मिल रही है। एंड हाँ, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना अगर आपको ये मांगा रिकमेंडेशन पसंद आई, या आप भी तात्सुकी फुजीमोटो के फ़ैन हो तो। सो ये थी एक मांगा रिकमेंडेशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ क्विकली, जस्ट मतलब लाइक अभी ये मांगा रिलीज हुई है कुछ दिनों पहले, आप इसको जल्दी से चेकआउट करो बिना किसी देरी। तो अपना ख्याल रखो, खुश रहो, एनिमे देखते रहो, मांगा रीड करते रहो। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।